मेरे पिताजी ने ये दुकान मुझे दी थी और मैं अपने बेटे को ये दुकान सौंपूंगा, और ये पंजे वाले कह रहे हैं कि मेरी इस दुकान को हड़प कर किसी और को दे देंगे। मैं नहीं दूंगा, ना अपने पुरखों की दुकान और ना ही इनको वोट। मेरी माँ ने मुझे एक जोड़ी कंगन दिए थे और हमने सालों से जोड़कर अपनी बेटी के लिए गहने बनवाए, और ये पंजे वाले कह रहे हैं कि हमारी बिटिया के गहने हड़प कर किसी और को दे देंगे। मैं नहीं दूंगी, ना अपनी बिटिया के गहने और ना ही इनको वोट। मेरे पिताजी ने ये मकान बनवाया, मैं भी इसी में बड़ा हुआ और मेरे बच्चे भी, और ये पंजे वाले कह रहे हैं कि हमारा ये मकान छीन कर किसी और के नाम कर देंगे। मैं नहीं दूंगा, ना अपना पुश्तैनी मकान और ना ही इनको वोट। आपकी जेब में हाथ डालने वालों से खबरदार, देश हित में जारी। सालों से इस परिवार ने हिंद नगर को बर्बाद किया है, पर अब नहीं। भारत! मम्मी मम्मी, इस बार तो भारत ने परिवारवाद का बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, अब मेरा क्या होगा? अरे का तुम्हारा? अरे हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अब तुम इसका का जवाब दोगे? बोलो बोलो। तुम सब बुड़बक हो, एकदम बुड़बक हो। अरे काहे भारत का परिवारवाद परिवारवाद लगा रखा है, उसका तो कोनो परिवार नहीं है। अरे वो का जाने परिवार क्या होता है, और परिवार का प्यार क्या होता है? बजाओ ताली। वाह चालू यादव जी, क्या बात कही है आपने! आपसे चतुर और चालू नेता तो मैंने आज तक नहीं देखा। ओ जी याद रहे, हमें इसी बात को हर जगह बोलना है, ठीक है? परिवारवाद और वंशवाद हिंद नगर के लिए एक खतरा है। रुको! क्या परिवारवाद परिवारवाद लगा रखा है? तुम्हारा तो कोई परिवार है नहीं। तुम क्या जानो परिवार का मतलब? परिवार का प्यार का मतलब? मुझसे पूछो, इससे पूछो और इससे पूछो। अरे हमसे पूछो परिवार का मतलब क्यों? सही कहा ना? बोलो बोलो, है कोई जवाब? क्या कहा तुमने? भारत का परिवार नहीं है, मैं हूँ इसका परिवार। हाँ हाँ, हम भी हूँ भारत का परिवार। हाँ। हम हैं भारत का परिवार।